हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं थर्ड ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो हम बात करने वाले हैं BCOE 141, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का टॉपिक, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान लेना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है उसके लिए। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं पे करना होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके बाद का प्रोसेस है कि आप अगर मेंबरशिप का प्लान हमारा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ से फिर आपको इग्नू बीकॉम में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये ज्वाइन का बटन आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको सबसे पहला फायदा जो है, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आपको लो कॉस्ट नोट्स मिलेंगे एट 40% डिस्काउंट पे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, यहाँ पे आपको आना है मोर अबाउट पर्क्स में। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का एक लिंक दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन ज्वाइन आवर मेंबरशिप प्लान। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आप डायरेक्टली मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी टॉपिक। अगर कोई गाइडेंस एंड काउंसलिंग की अगर आपको आवश्यकता है, तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ जब भी आप स्टडी करें, मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में पक्का आए। ये इग्नू बीकॉम न्यू का प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं, जिनको देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलते हैं फिर आज के टॉपिक के हमारे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो मेनी पीपल यूज द टर्म मार्केटिंग एंड सेलिंग एज सिनोनिमस। इन फैक्ट दीज टू टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग इन द डिफरेंस बिटवीन देम इज नेसेसरी फॉर यू टू बी अ सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर। है ना, तो आपको मार्केटिंग मैनेजर आई डोंट नो बनना है कि नहीं बनना, पर अगर बनना है, अगर नहीं भी बनना है, फिर भी दोनों के बीच में डिफरेंस बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सेलिंग और मार्केटिंग में? तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग जो होती है वो सेम होती है, दोनों सिनोनिमस होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की जो मीनिंग है वो अलग है, दोनों का एक तरीके से जो काम है, जो फंक्शंस है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, तो एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आपको जो है इसके बारे में जानकारी होनी इंपॉर्टेंट है। सो सेलिंग इज एन एक्शन व्हिच कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट इनटू कैश, बट मार्केटिंग इज द होल प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। है ना, तो सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग एक क्रिया होती है, एक एक्शन होता है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करते हो, मतलब प्रोडक्ट को बेचते हो, उसके बदले आप कैश ले लेते हो। लेकिन मार्केटिंग एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, जहां पे आप कस्टमर के साथ मीट करते हो, कस्टमर की कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप प्रोडक्ट को बनाते हो, ताकि उसकी जो नीड्स है उसको आप सेटिस्फाई कर सको, तो उसे हम कहेंगे मार्केटिंग। सो मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। है ना, तो मार्केटिंग में जो है ये सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, जैसे कि प्रोडक्ट की प्लानिंग होगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी, प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्ट की सर्विस हो गई, आफ्टर सेल सर्विस जो प्रोवाइड कराई जाती है, इसमें सारी की सारी चीजें मिलकर जो है मार्केटिंग बनता है। तो मार्केटिंग एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है ना, सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर, वेयर एज मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नीड्स ऑफ द बायर। सेलिंग जो, इसका अगर मेन डिफरेंस मैं बताऊं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेलिंग जो है, यहाँ पे फोकस किया जाता है सेलर के नीड के ऊपर। सेलर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका सामान सेल हो जाए, तो उसके नीड के ऊपर ध्यान दे रहे हो आप, बायर के नीड के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन जब आप मार्केटिंग करते हो, तो आप बायर के नीड के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बायर के नीड को सेटिस्फाई कर पाओगे, तो वो बायर आपसे दोबारा आएगा। सेलिंग लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता, सेलिंग शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में सेल करना है, लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस बनाना है, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नाउ सेलिंग इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ एक्सचेंज अंडर बार्टर सिस्टम। सेलिंग जो है मॉडर्न सिस्टम है बार्टर सिस्टम का, जहां पे आप एक्सचेंज करते हो, गुड्स दे करके पैसे आप लेते हो। When the focus is on the selling, the businessman thinks that after production has been completed, the task of the sales force starts. है ना? तो जब focus ज़्यादा selling के ऊपर होता है ना, तो जो sales manager जो sale करता है, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है, जो businessman होता है, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि जैसे कि production का काम complete हो जाए, पूरा हो जाए, वैसे ही जो selling का काम है वो start हो जाना चाहिए और एक तरीके से लोगों को उस काम में लग जाना चाहिए। It is also the task of the sales department to sell whatever the production department has manufactured. और ये sales department की एक जिम्मेदारी बन जाती है एक तरीके से, कि जो भी एक sales department ने तैयार किया, production department में तैयार किया है, उसको बस बेचना है। उसको आपको ये नहीं ध्यान देना है कि कस्टमर खरीदे ना खरीदे, पसंद आए ना पसंद आए, आपको बस बेचना है।
तो यहाँ पे तो कस्टमर लॉन्ग टर्म में आपके पास टिक नहीं पाएगा ना, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ बेचने पे है। आप ना प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ना प्रोडक्ट के सर्विस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप बस चाह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाए, ठीक है ना। सो एग्रेसिव सेल्स मेथड्स आर जस्टिफाइड टू मीट दिस गोल एंड कस्टमर्स नीड्स एंड सेटिस्फेक्शंस आर टेकन फॉर ग्रांटेड। तो सेलिंग के केस में आप एक तरीके से बहुत ही एग्रेसिव वे में नो सेल्स मेथड का इस्तेमाल करते हो और अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करते हो, और आप कस्टमर के नीड्स और सेटिस्फेक्शन को एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, मतलब उसके बारे में आप जरा भी नहीं सोचते, उसके बारे में आपका जरा भी ध्यान नहीं जाता है। बट अगर मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग इज अ वाइडर एंड ऑल परवेजिव एक्टिविटी। मार्केटिंग जो होती है एक बहुत ही बड़ी और परवेजिव एक्टिविटी है टू अ बिजनेस फर्म। द टास्क कमेंसेस विद आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स एंड डज नॉट एंड टिल फीडबैक ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिसीव्ड, है ना। तो मार्केटिंग जो होती है एक वाइडर परस्पेक्टिव है, एक वाइडर और परवेजिव एक्टिविटी है जो कि बिजनेस फॉर्म के लिए चलती है हमेशा और लंबी चौड़ी चलती है। यहाँ पे जो टास्क शुरू होता है आपके प्रोडक्ट कंज्यूमर के डिमांड को आइडेंटिफाई करने से, आप कंज्यूमर के डिमांड को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करोगे, उसको फिर बेचोगे, और जब तक आपका आपका टास्क तब तक चलता रहेगा जब तक कस्टमर से आपको फीडबैक नहीं मिल जाए कि आपका प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था, ठीक है ना। तो ये काम आपका तब तक चलते रहता है। सो इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिविटी विच कम्प्राइजेस, इसकी ये बहुत ही लंबी चेन ऑफ एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होता है, प्रमोशन होता है, प्राइसिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड देन जाकर के सेलिंग होता है, ठीक है। कंज्यूमर नीड्स बिकेम द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटी, और कंज्यूमर की जो नीड्स है, कंज्यूमर का जो डिमांड है, वही उसके लिए एक तरीके से गाइडिंग फोर्स होती है कि इस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, इस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है ना। प्रॉफिट्स आर नॉट इग्नोर्ड बट दे आर बिल्ट अप ऑन द लॉन्ग रन बेसिस। प्रॉफिट जो है उसको इग्नोर नहीं किया जाता बट लॉन्ग रन बेसिस को ध्यान में रखकर के मार्केटिंग की जाती है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन को हम टेबल के माध्यम से समझेंगे, जो यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, ये भी समझ में आ जाएगा सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो सेलिंग में जो इम्फेसिस होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर होता है, मार्केटिंग में जो इम्फेसिस होता है वो कस्टमर की नीड्स के ऊपर होता है, उसके वॉन्ट्स के ऊपर होता है। सेलिंग में कंपनी जो होती है सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाती है, फिर डिसाइड करती है कि कैसे सेल करना है। मार्केटिंग में इसका उल्टा होता है, कंपनी पहले ये डिटरमाइन करती है कि कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, फिर जाकर के जो है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाती है ताकि वो उसके डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सके, उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है सेलिंग का जो मैनेजमेंट होता है वो सेल्स ओरिएंटेड, सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है, मतलब इनका काम होता है बस ज्यादा से ज्यादा सेल करना, उनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ती बड़ी हुई होनी चाहिए, उनका बस यही गोल होता है। लेकिन मार्केटिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड, की ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए जाए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाओगे तो प्रॉफिट भी आप ज्यादा कमाओगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो वही बात यहाँ पे बोलिए कि मैनेजमेंट जो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है सेल्स का वो एक तरीके से सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है। चौथा नंबर, सेलिंग में प्लानिंग इज शॉर्ट रन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ टुडेज प्रोडक्ट एंड मार्केट्स, है ना। तो अभी के जमाने में जो प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स जो है उसके हिसाब से अगर आपका ध्यान सिर्फ सेलिंग पे है, आप अगर सिर्फ सेलिंग मेथड ऑफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे आपका जो प्लानिंग है वो शॉर्ट रन ओरिएंटेड है, आप बस कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना चाह रहे हो, है ना, तो ये शॉर्ट रन हो गया। लेकिन जो मार्केटिंग होती है उसमें जो आपकी प्लानिंग होती है वो लॉन्ग रन ओरिएंटेड होती है, इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, टुमारोज मार्केट्स एंड द फ्यूचर ग्रोथ, इन सब के बारे में सोच करके आप लॉन्ग रन ओरिएंटेशन आप करते हो प्लानिंग के केस में, और आप अपनी कंपनी को एक अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हो, ठीक है ना। तो लॉन्ग रन की बात यहाँ पे की जाती है मार्केटिंग में, सेलिंग में शॉर्ट रन की बात की जाती है। पांचवा नंबर पॉइंट है सेलिंग का, स्ट्रेसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर। सेलिंग में जो स्ट्रेस होता है, जो जोर होता है वो सेलर के नीड्स के ऊपर होता है, वेयर एज मार्केटिंग में जो जोर होता है वो बायर्स के नीड के ऊपर होता है, बायर्स के डिमांड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान जो है कंपनीज का होता है, ठीक है। स्ट्रेस ऑन सेल, सेलिंग में स्ट्रेस जो है वो सेल के ऊपर होता है, और मार्केटिंग में जो स्ट्रेस है वो डिलाइटेड कस्टमर के ऊपर होता है कि कस्टमर्स कितना अपने आपके प्रोडक्ट को यूज करके खुश हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।